नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना ने पूरे देश में भयंकर रूप से तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कदम उठा रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कहीं लॉकडाउन। पुलिस लोगों से इन सब का पालन कराने में जुटी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस के डंडे का। ये तो अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शनिवार रविवार को तालाबंदी करने का ऐलान किया गया था, जो दो दिन तक जारी रहा, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिली। बावजूद इसके इस दौरान कुछ लोग मनमानी पर उतारू दिखे, ऐसा ही एक मामला मेरठ में देखने को मिला। यह गुदड़ी बाजार में दुकानों और फलों के ठेले हटवाने गई पुलिस पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। एक दरोगा के साथ धक्का मुक्की की गई। दरोगा की हिरासत से एक युवक को छुड़ा लिया गया। पुलिस पर हुए इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम भीड़ पुलिस वालों को चारों तरफ से घेरते हुए बवाल काट रही है। तो मामला ज्यादा बिगड़ता देख भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल हुआ यूं कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि गुदड़ी बाजार में कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी है और फलों के ठेले भी लगे हैं जिन पर भीड़ जमा है, जिस पर दरोगा नीरज सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए ठेलों को भी वहां से हटवाने लगे। इस दौरान एक युवक ने वहां विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस युवक ने अपने कपड़े उतारकर अश्लीलता भी शुरू कर दी, जिस पर दरोगा साहब और उसके साथ मौजूद सिपाही ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ और भी लोग वहां जुट गए और पुलिस कर्मियों का विरोध करने लगे। लोगों की भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने दरोगा के साथ धक्का मुक्की कर उस युवक को भी छुड़ा लिया, लेकिन बाद में फिर से पुलिस ने एक युवक दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस दौरान दरोगा और सिपाही के मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया गया। मौके पर और पुलिस फोर्स बुला लिया गया। बाद में पूरे क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को चेतावनी दी वो कर्फ्यू के दौरान घर से ना निकले। जानकारी के मुताबिक एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कईयों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की गई है। तो देखा आपने किस तरह से कुछ लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो तो इस कोरोना के खतरे को और ज्यादा बढ़ाने के साथ ही पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ रहा है क्योंकि सूबे की पुलिस भी इन्हें सबक सिखा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।